यहां भूत है। आखिर क्यों एन मौके पे इस फिल्म की कास्ट को चेंज कर दिया गया और ऐसा क्या खास होने वाला है भूत पुलिस में जिसकी वजह से ये फिल्म एवरग्रीन होने वाली है और ये फिल्म बॉलीवुड में कैसे सैफ अली खान और अर्जुन कपूर को एक अलग मकाम दिलाने वाली है। तो इस वीडियो का एंड तक पूरा देखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, माय टॉक्स के एक और फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों फिल्म की कास्ट में मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, यामी गौतमी और जावेद जाफरी। ये एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं पवन करीपलानी। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, पवन करीपलानी बॉलीवुड के इकलौते ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने आज तक जितनी भी हॉरर फिल्में बनाई हैं वो डराने के साथ साथ लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना लेती है, जिसकी वजह से लोग उनकी फिल्मों को हमेशा याद रखते हैं, फिर चाहे वो रागिनी एमएमएस हो या डर दी मॉल या फिर फोबिया। और अगर आपको इस बात का अंदाजा लगाना है तो आप इनकी फिल्में देख के लगा सकते हैं कि इनके डायरेक्शन में बनी फिल्में कितनी कमाल की और जबरदस्त होती हैं। और साथ ही इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है टिप्स कंपनी। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, टिप्स कंपनी बॉलीवुड की बहुत पुरानी और बेहतरीन कंपनी है जिन्होंने बॉलीवुड को जबरदस्त सुपरहिट फिल्मों के साथ बेहतरीन आर्टिस्ट भी दिए हैं। इनकी फिल्मों का कलेक्शन इतना बेहतरीन है कि आज भी आप इनकी कोई भी फिल्म उठा के देख लो, आप बोर नहीं हो सकते। अब ऐसे में इतनी बेहतरीन कंपनी भूत पुलिस फिल्म को बना रही हो और साथ में फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हो पवन करीपलानी, तो आप सोच सकते हैं बॉलीवुड की फिल्म कितनी हटके होने वाली है। और फिल्म में आपको हॉरर के साथ साथ कॉमेडी का तड़का देखने को मिलेगा और ये फिल्म आपको डराने के साथ साथ हंसने पे भी मजबूर कर देगी। और दोस्तों फिल्म में जावेद जाफरी, सैफ अली खान और अर्जुन कपूर है, तो फिल्म में कितनी जबरदस्त कॉमेडी होने वाली है आप सोच सकते हैं। दोस्तों फिल्म की कहानी एक हॉन्टेड हाउस की है जहाँ सैफ अली खान और अर्जुन कपूर घोस्ट हंटर बने हुए हैं, यानी भूत पकड़ने वाले बने हुए हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, फिल्म को हिमाचल में शूट किया गया है और ये फिल्म आपको बहुत जल्द हॉटस्टार डिज्नी पर देखने को मिलेगी। दोस्तों इस फिल्म को अर्जुन कपूर और जैकलिन फर्नांडिस के बजाय फातिमा सेन और अली जाफर के साथ बनाया जा रहा था, लेकिन एन मौके पे टेक्निकल इश्यूज और डेट ना मिलने के कारण अर्जुन कपूर और जैकलिन को ले लिया गया। दोस्तों कास्ट चेंज करना सही फैसला था या गलत, आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही दोस्तों मुझे ऐसा लगता है फिल्म को टिप्स कंपनी बना रही है तो ये एक मास्टरपीस फिल्म होने वाली है जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे और इसकी वजह से सैफ अली खान और अर्जुन कपूर का बॉलीवुड में एक अलग मकाम होने वाला है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आप इस मास्टरपीस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही मूवी से रिलेटेड इंटरेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।